इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हमारे जनजातीय समाज के एक चिंतनशील डॉक्टर कार्तिक पुरावती का ऐसा मन में आया कि पूरे देश भर के अंदर 705 प्रकार की जनजातियां, 1212 लाख आदिवासी समाज है। इन सारे विषय को लेकर के एक बड़ा चिंतन मनन हुआ। 2006 के अंदर जनजाति सुरक्षा मंच का रायपुर के अंदर गठन हुआ। 14 राज्यों के 85 प्रतिनिधियों ने, जिन्होंने सामाजिक जीवन को देखा है, जनजातियों के विभिन्न पक्ष पर उनका गहन अध्ययन था, चिंतन था, इसे 2006 में जनजाति सुरक्षा मंच का गठन हुआ। 2006 से लेकर के ही पूरे देश भर में, राजस्थान में अलग अलग जगहों पर विभिन्न प्रकार की पत्रकार वार्ताएं, गोष्ठियां, एक जन आंदोलन शुरू हुआ। जनजाति सुरक्षा मंच कोई नया विषय नहीं है। सर्वप्रथम डॉक्टर कार्तिक पुरावती ने 1967 और 1970 में 348 हस्ताक्षर युक्त सांसदों के द्वारा ज्ञापन दिया है। जनजाति सुरक्षा मंच सिर्फ एक ही मांग है पूरे देश भर के अंदर, जिन्होंने अपना परंपरा, विश्वास, आस्था को खो दिया है, फिर भी वह नौकरियों में, रिजर्वेशन में और विभिन्न राजनीतिक पदों में, विभिन्न दायित्वों में जनजाति के आरक्षण के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। जनजाति सुरक्षा मंच का एक ही मांग है हमारी कि 1950 के तहत जिस प्रकार से देश में संविधान मिला है हमको, आर्टिकल 342 के अंदर दो कम्युनिटी को मिला, 380 और एसटी को 341 के अंदर, उस समय से जब संविधान बना तब एक प्रावधान हुआ, अगर एससी समाज का कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति अन्य धर्म ग्रहण कर लेता है, तुरंत एक रिजर्वेशन का लाभ स्वतः ही खत्म हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 342 के अंदर एक विसंगति, एक कमी रह गई कि जनजाति बंधु अपना धर्मांतरण, अपना विश्वास, आस्था को खो देने के बाद भी अन्य धर्म ग्रहण या विदेशी संस्कृति में चला जाता है, फिर भी रिजर्वेशन का वो लाभ ले रहा है। इसी विषय को लेकर के कार्तिक पुरावती के सपने को पूरा करने के लिए पूरे देश भर में एक बड़े अभियान के तौर पर ये चल रहा। फायदा लेते हुए हमारी जनजाति का जो अनुसूची के अंदर को जो उनको आरक्षण मिलता है, वो उसका भी फायदा उठाते हैं। तो हमारी मांग 18 तारीख को जो हमारी हुकार रैली उदयपुर में हो रही है, काफी बड़ी रैली और काफी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से, विभागों से भारी संख्या में उदयपुर में उसे लोग बता रहे हैं। तो हमारा विषय उन हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए कि हम किस लिए वो रैली कर रहे हैं। लोग अपना सनातन धर्म छोड़कर भ्रमित हो रहे हैं, वो क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, तो ये अपने देश के लिए कितनी आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी, बहुत हानि का विषय है। भाई साहब आपको प्रारूप सारा समझा चुके हैं, मैं थोड़ी सी आपको जो व्यवस्था रहेगी रैली की वो बता देती हूँ। किस विभाग से, किस जिले से रैली निकल रही है, जो चेक पोस्ट हमारे रहेंगे, पार्किंग स्थल रहेंगे और प्रारंभ स्थान, और मैं आपको ड्रॉप पॉइंट पर ये थोड़ा सा छोटी मोटी जानकारी दे देती हूँ। हमारा जो बांसवाड़ा, कुशलगढ़, सरुंगर जो जिले हैं, ये इनका चेक पोस्ट रहेगा अपने सबीना पेट्रोल पंप। दूसरा हमारा सिरोही, पाली, गोबुंदा, राजसमंद, नागवारा, इनका अपना रहेगा विद्या भवन ग्राउंड पर। तीसरा खेरवाड़ा, डूंगरपुर, इनका अपना चेक पोस्ट रहेगा हर्ष पैलेस पर। चित्तौड़गढ़, कोटा, ये जो विभाग उधर से आ रहे हैं, इनका रहेगा देवारी फ्लाईओवर के नीचे की तरफ। पांचवा हमारा रहेगा कोटड़ा, जाड़ो और बाकुरा वाला, इनका रहेगा हमारा चेक पोस्ट सिसारमा पेट्रोल पंप पर रखी गई है। वो सारी निकलते हुए लोगों को भोजन व्यवस्था वगैरह। बांसवाड़ा, कुशलगढ़, सलूंगर और जो सागवाड़ा जिले से आ रहे हैं, उनका जो रैली का मार्ग है वो रहेगा हमारा टाउन हॉल, दिल्ली गेट, कोट चौराया, चेतक और पहाड़ा बस स्टैंड से होते हुए उदयपुर पहुंचेगी। और दूसरा जो जिले रहेंगे हमारे पाली, गोकुंदा और सिरोही, उनका हमारा रैली का मार्ग रहेगा फिल्ड क्लब, सहेलियों की वाड़ी, यूआईटी पुलिया, लवकुंज स्टेडियम। लवकुंज स्टेडियम में जो गेट नंबर 3 है, ये रैली हमारी उस तरफ से एंट्री करेगी। तीसरा जो है हमारा खेरवाड़ा और डूंगरपुर वाले जो जिले हैं, ये इनका रैली मार्ग जो रहेगा वो रहेगा कृषि महाविद्यालय से होते हुए सूरजपुर, हापू बाजार, अश्विनी बाजार, हाथीपुर और चेतक होते हुए वो बस स्टैंड से गेट नंबर 2 से एंट्री करेंगे।
चौथी हमारे जो जिले से आ रहे हैं चित्तौड़ और कोटा विभाग से, उनका रेल मार्ग हमारा रहेगा एमपी हॉस्पिटल ग्राउंड से होते हुए दुर्गा नर्सरी रोड, फिर शास्त्री सर्कल, फिर कोट चौराहे से होते हुए वो गेट नंबर 2 से एंट्री करेंगे। और पांचवा हमारा रहेगा जो कोटड़ा झाड़ और बागपुरा परिसर से जो आ रहे हैं उनका रेल मार्ग रहेगा हमारा महाकाल, जो हमारा महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ से प्रारंभ होगी, वहाँ से होते हुए आयुर्वेदिक कॉलेज, डेकेन रोड और शिक्षा भवन से होते हुए चेतक। और हमारे इस राजस्थान प्रदेश के जो संयोजक हैं श्रीमान बाबूराम जी कटारा और हमारी सुरक्षा मंच की कार्यकर्ता बहन भावना मीणा, दोनों ने आपके सामने विषय रखा है। थोड़ा सा मैं इसी को रिपीट करता हूँ, उसके बाद हम बात कुछ बातचीत करेंगे। किंतु मुख्य रूप से हम धारा 341 को जब देखते हैं तो वो धारा 341 SC वर्ग के लिए है और उसका एक क्राइटेरिया निश्चित है जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार हो गया, जिसके कारण कुछ आत्महीनता, आत्मग्लानी हो गई, समाज दब गया, वो समाज फिर से आत्मविश्वास लेकर आगे आए, इसके लिए 341 अनुच्छेद के अंदर विशेष प्रावधान संविधान में दिए और उसमें एक लाइन लिखी है, यदि कोई भी SC वर्ग का व्यक्ति अगर किसी भी कारण से अपना धर्म परिवर्तन कर देता है, मतांतरित हो जाता है, तो फिर उसको SC की मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो सबका बंद हो जाएगी, वो SC का स्टेटस उसका समाप्त हो जाएगा। अब 342 है, 342 में ST के लिए लिखा गया है, उसका भी कुछ क्राइटेरिया उन्होंने निश्चित किया है। ST में कौन, जो जंगल पहाड़ के क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र विकल जिनकी आबादी है, संकोची स्वभाव है, कुछ आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन है, इस प्रकार के आधार लेकर कुछ जाति समूहों को उसके अंदर जोड़ा, अनुसूचित जनजाति ये शब्द है। और उसमें उनको भी और कुछ आगे लाने के लिए इस विकास के प्रवाह में और वो भी आगे आए इसके लिए कुछ प्रावधान दिए। लालूराम कटारा, प्रांत संयोजक, जनजाति सुरक्षा मंच राजस्थान। जनजाति सुरक्षा मंच वे जनजाति बंधु जिन्होंने अपनी रूढ़िगत संस्कृति, परंपरा, पूजा को छोड़ दिया है और धर्मांतरित हो गए हैं, फिर भी वो जनजाति के रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं। सुरक्षा मंच की एक ही मांग है कि उनको डिलिस्ट किया जाए, उनको बाहर किया जाए, जनजाति का लाभ नहीं मिले। इसी मांग को लेकर के पूरे देश भर में इसी क्रम में राजस्थान में 18 जून को हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच की कार्यकारिणी सदस्य, जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि आप 18 जून को हमारी हुंकार महारैली हो रही है, उसका विषय हमारा यही रहेगा कि जनजाति के जो लोग हैं वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, उनको जो जनजाति हमारी अनुसूची है उनसे बाहर किया जाए, ये हमारा विषय रहेगा। और मैं आपको थोड़ी सी उसके मार्ग बता देती हूँ कि कहाँ से हमारी रैली शुरू होगी उसकी व्यवस्था बता दूंगी। 5 जगहों से हमारी रैली प्रारंभ होगी। पहली हमारी रैली का जो रूट रहेगा वो रहेगा बांसवाड़ा सलूम्बर इस वाले रास्ते से। ये हमारी सारी जो रैलियाँ हैं वो सारी 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और 5 बजे तक हमारा जो स्थान है वहाँ पर पहुँच जाएगी, गांधी ग्राउंड पर। हमारी जो पहली रैली वो होगी बांसवाड़ा सलूम्बर इस रूट वाली, उसकी व्यवस्था रहेगी हमारी पार्किंग की। दूसरी जो रैली आ रही है वो हमारी आ रही है चाड़ोल फलाशिया उस वाले रास्ते से। तीसरी जो रैली आ रही है हमारी कोटा और चित्तौड़ संभाग से है और चौथी सिरोही वगैरह से और इस वाले रूट से है। तो इन्हीं सभी का जो स्थान है वो तय हो गया है, पार्किंग व्यवस्था का हो गया है, बाकी भोजन व्यवस्था वो सारी उनकी वहीं पर रखी जाएगी और 5 बजे तक वो गांधी ग्राउंड पहुंच जाएंगे और 5 बजे से हमारी सभा प्रारंभ हो जाएगी। पांचों रैलियां आएंगी, इन पांचों रैलियों के भिन्न भिन्न मार्गों से शोभा यात्रा के रूप में, रैली के रूप में ये गांधी ग्राउंड पहुंचेगी और गांधी ग्राउंड में एक सभा होगी। उस सभा को जनजाति समाज के ऐसे जो प्रमुख लोग हैं वो संबोधित करेंगे। उसके बाद जो आए हुए लोग हैं उन सब के लिए उदयपुर शहर के वासियों ने भोजन की व्यवस्था की, उस सब के लिए भोजन
बना करके लाने वाले हैं, और जहाँ जहाँ हमारी पार्किंग रहेगी वहीं पर सबको भोजन कराने वाले हैं, सबको भोजन का पैकेट देने वाले हैं, सब लोग भोजन करके और फिर अपने वापस पधार लेंगे। नहीं देखिए, इस मंच का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो बहुत स्पष्ट है। ये मंच चाहता है कि आर्टिकल 342 में अमेंडमेंट हो और उसमें एक लाइन जोड़ी जाए, कोई भी एसटी का व्यक्ति यदि मतांतरित हो जाता है तो फिर उसको एसटी का लाभ नहीं मिलेगा। शिव सत्य सनातन शिवम शिव।